ये तय होना चाहिए कि देश कैसे चलेगा। ये 1947 में महात्मा गांधी ने नहीं बना दिया है, ये 1947 में भारत नहीं पैदा हुआ है, ये कैलाश पर्वत, ये गंगा जमुना तहजीब, ये गंगा जमुना सब 1947 में नहीं बनी है, कुंभ 1947 से नहीं शुरू हुआ है। ये झूठ और मक्कारी के तहत आपको बताया गया कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री को बारे में उनको भारत रत्न भी मिला, लेकिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री जिनका जन्म मक्का में हुआ था वो यहां आए, उन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री बने, लेकिन आप जरा उन शिक्षा मंत्री की ईमानदारी देखिए कि अपने जीते जी उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, ओरिएंटल पब्लिकेशन ने वो किताब छापी, और अपनी किताब के लिखने के बाद अपनी वसीयत में ये कहा उन्होंने कि जब मुझे अल्लाह बुला ले अपने घर तो मेरे मरने के 30 साल बाद ये जो 30 पन्ने हैं ये उसमें जोड़ देना। जो भारत का शिक्षा मंत्री अपने जीते जी सच बात कहने की हिम्मत नहीं रख पाया, उसने भारत की शिक्षा नीति क्या बनाई होगी, इसको आप समझ सकते हैं। किन लोगों को आगे बढ़ा करके आपने हिंदुस्तान की शिक्षा की किताबों में क्या क्या नहीं डाला गया, जो आपके हीरो थे उनको विलियन बना दिया गया, जो विलियन थे उनको आपका हीरो बना दिया गया। आप इस कुंठा में जी रहे हैं पिछले 70 साल से कि औरंगजेब के बारे में हम पढ़ते हैं, उसने ये किया, मास मर्डर था, रेपिस था, लेकिन औरंगजेब रोड बनी हुई है। ये कुंठा इस देश की मेजोरिटी को देख के नहीं होती कि जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को मारा उनका धर्म परिवर्तन किया। ये गुरु गोविंद सिंह की बात हो रही है, ये शीशगंज जो गुरुद्वारा है, ये सब कल की बात है भाई। वो लोग हमारे लिए उनके सड़कों के नाम रखे जाएंगे, उनको ग्लोरीफाई किया जाएगा, जो नालंदा को जलाएगा उसके नाम पे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। हम 70 साल से कर क्या रहे हैं, हम सोते हुए समाज हैं। गो योगी की सरकार आ गई, मोदी की सरकार आ गई, ये आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन जब आप चेतन होंगे तो हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग की सरकार भी होगी, तब भी नाम बदल जाएगा जिस दिन आप चेतन हो जाएंगे। आप सरकारों का इंतजार मत कीजिए, सरकार अपना काम करेगी, आप अपना काम तो करिए। आप ये मत कहिए कि ये हमारा काम नहीं है, हमने वोट दे दिया उसके बाद हम सो जाएंगे, ना। वोट दीजिए, खड़े रहिए, दबाव बनाइए। आपकी अपनी सरकारें भी चाहती हैं कि उनके ऊपर दबाव बने ताकि वो काम करें, क्योंकि उनके ऊपर भी संवैधानिक बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लिहाजा इस गलत फहमी में मैं कतई नहीं हूं, न था कि कोई हमारे बीच में 1400 साल पहले एक धर्म शुरू हुआ और उस धर्म के नाम पे पूरी दुनिया के अंदर कत्ल गारत हो रही है। लोग किताब का हवाला दे करके, आप कुरान शरीफ का हवाला दे करके, आयतों और सूरों का हवाला दे करके कत्ल करते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान से 150 बड़े मौलवी चले जाएं कि हम जाएंगे ISI से बात करेंगे, हम जाएंगे लश्कर ए तैयबा से बात करेंगे और पूछेंगे कि कुरान शरीफ में कहां क्या लिखा है, नहीं करते। चादर से मुंह ढक करके कहते हमने कंडेम कर दिया, ये गलत काम कर रहे हैं, ये झूठ है, ये मक्कारी है। 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र आया है, और ये जिहाद क्या है, ये दो किस्म का जिहाद है कुरान मजीद में, जिहाद अकबर और जिहाद अशरफ। यानी अशरफ छोटा जिहाद, जिहाद अकबर बड़ा जिहाद। पूछे भाई ये पुष्पिंद कुमार का कोई लिखा हुआ कुरान शरीफ नहीं है जहां से बता रहा हूं, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही आप सवाल पूछेंगे तो वो कुरान उठा के लाएंगे मक्का का कि देखिए उसमें तो ये नहीं लिखा। ये नहीं कहेंगे कि ये दूसरा कुरान पहनते हैं, एक ही किताब है, लेकिन उस एक ही किताब के 6 अलग अलग जगह, पेरिस में है, कोई जर्मन में है, अलग अलग हैं, उसके अलग अलग एक दूसरे विरोधाभासी हैं, वो कोई एक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दो कुरान मेन है, कि एक तो मोहम्मद साहब मक्का में जब पैदा हुए वहां, और एक मदीने का कुरान। तो जब जरूरत पड़ती है तो मिक्स कर रखा है, जब आपसे कोई बात होगी तो कहेंगे देखिए मोहम्मद साहब ने तो ये कहा था, लेकिन जब मोहम्मद साहब ने कुछ आगे कहा था दूसरे कुरान में तो उसकी बात नहीं कर, तो जरूरत पड़ने के हिसाब से आप बात करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर, नथिंग मोर देन दैट। इस गलतफहमी से बाहर निकल जाइए। आप कुरान को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, आप बहुत घनघोर संकट से घिर चुके हैं, आपको अपना अंदाजा नहीं है। जब तक सत्ताएं हैं, फौज हैं, आपकी फौज है, ये जुडिशरी है, आपको मेजोरिटी होने का अगर भ्रम है तो आप मेजोरिटी में थे तब भी आप 70 साल से डरपोक की तरह रह रहे हैं इस मुल्क में, और कोई दूसरा नहीं डरा रहा आपको, आप ही के बीच में से चुन के जो लोग जाते हैं वही डराते हैं, इसलिए कि आपने उनको यह मैसेज दे दिया है, आपने उनको यह एहसास करा दिया है कि आप जो भी करेंगे हम मान लेंगे,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, होता रहेगा, 200 साल तक चलता रहेगा, मुकदमा लड़ते रहेंगे। कभी दुनिया में परिवर्तन जो है धीरे धीरे नहीं होता है, दुनिया में परिवर्तन निर्ममता के साथ होता है। यह फैसला लागू होगा कल से होगा, और यह सरकार में बहुत से फैसले इसी अंदाज में लागू हो रहे हैं, और ये होने चाहिए, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और अगर यह सिलसिला जारी रहना चाहिए तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2014 में आपने वोट ठाकुर और ब्राह्मण और दलित और यादव बन के नहीं दिया था। आपने इस देश की मॉडर्न सत्ता को यह बताया कि इस देश में पिछले 70 साल से जितने भी चुनाव हुए, अल्पसंख्यक, किसी का कॉम्बिनेशन है माई, किसी का कॉम्बिनेशन है अजगर, ये सबने अपने अपने कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, लेकिन हर कॉम्बिनेशन में एक एम कॉमन है, सब में एक एम कॉमन है। आपने 2014 में कहा कि अब कॉमन सिर्फ एच रहेगा, इसलिए आपने सत्ता पे उन लोगों को बिठाया, और लोगों को पता चला कि अगर 1% लोग भी मुत्तहिद हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, और ये तय कर लें कि सत्ता पे हमारी सोच के लोग बैठेंगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगली भी आपकी होगी और अगले 1000 साल तक भी आपकी होगी। लिहाजा कश्मीर में आर्टिकल 35A बकौल आरएसएन सिंह साहब के, कश्मीर भारत का सर है, माथा है, और अगर माथे में या सर में कैंसर हो गया तो पूरा शरीर आपका समाप्त हो जाएगा। और यह कैंसर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जिस तरीके से इस देश में राष्ट्रवादी शक्तियां, वो राष्ट्रवाद अलग अलग तरीके से हो सकता है, राष्ट्रवाद को किसी कोडिफाई करके नहीं हो सकता है, राष्ट्रवाद, आप भी राष्ट्रवादी हैं, मैं भी राष्ट्रवादी हूं, बहुत सारे और भी राष्ट्रवादी होंगे, लेकिन एक लाइन ये तय हो जाए इस देश के अंदर कि लोग सत्ताओं का विरोध करें, इश्यूज का विरोध करें, इस देश में किसी पॉलिसी का विरोध करें, लेकिन सत्ताओं का विरोध करते करते इस देश का जो विरोध करेगा वही गद्दार है। ये आपकी खामोशी नहीं, ये आपकी 4 साल 5 साल की मेहनत है कि अब से 1 महीने पहले मैंने इसी किस्म की स्पीच जेएनयू में दी, और वहां वीर सावरकर की मूर्ति के अनावरण के लिए वहां के वाइस चांसलर ने कहा कि हम उस मूर्ति को लगाएंगे, और हमने पहला नाटक वीर सावरकर का जेएनयू में किया। साइलेंट चुप्पी थी क्योंकि पूरी ताकत से हम गए थे, और आज आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर इस किस्म के सेमिनार होना जो है ये इस बात को दर्शाता है कि सत्ताएं अपनी जगह हैं, समाज का मिजाज बदल रहा है। मेरी सिर्फ इतनी कोशिश है, अपना मिजाज बदलिए, ये देश बदल जाएगा। लिहाजा जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है उसको नजरअंदाज मत करिए, एक मॉडल के रूप में लीजिए। जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं उनसे कहिए कि तुमने जम्मू कश्मीर में कौन सी गंगा जमुना तहजीब की बात की है, तुमने ऐलानिया 1998 के अंदर एक कानून बना इस देश के अंदर, उसका नाम था मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। वो जम्मू कश्मीर में 1988 में जब वो लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर ने अपने यहां लागू करने से मना कर दिया, और 1990 में जम्मू कश्मीर की मस्जिदों का इस्तेमाल हथियारों के लिए भी हुआ, नमाज के लिए भी हुआ, अजानों के लिए भी हुआ, 50-50 अजानें रात में दी जा रही थी। बताया जाता था टीका लाल टपरू को कल उनकी हत्या कर देनी है, आज इसकी हत्या कर देनी है। हिंदुस्तान के मुसलमान को इस बात का ध्यान नहीं आया कि मस्जिद का जो है, जिसको हम बड़ा मुकद्दस कहते हैं, जड़ा पवित्र कहते हैं, जो आप 70 साल से झूठ बोल रहे थे, 2-4-5 सौ वहां जाते कैसे, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने आपको मारा ही नहीं, उन्होंने आपके खिलाफ सारे षड्यंत्रों को करने के लिए अपने संविधान में प्रोविजन कर लिया है। और ऐसा ही एक खतरनाक प्रोविजन और हुआ है, मुझे नहीं पता यहां कितने लोग जो हैं उससे अवाकिफ हैं कि नहीं वाकिफ हैं। 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर हड़ताल हो गई थी। कुछ बातें मैं अपनी स्पीच में इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप लोग जब जाएं तो लोगों से पूछें, भाई 1957 में वहां जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो गई। ये सफाई कर्मचारियों की हड़ताल वैसे तो लगेगा बहुत मामूली सी बात है, लेकिन उसका इंपैक्ट बता रहा हूं। तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब, बस 2 मिनट में खत्म करो, गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा कि भाई इसको कैसे साफ करें, महामारी फैल गई। तो पठानकोट से, अमृतसर से 200 वाल्मीकि लोगों को बुलाया गया कि आप आएं और यहां हमारी मदद करें, और उनसे वादा किया गया कि हम आपको नागरिकता भी देंगे और नौकरी भी देंगे, आप हमारे शहर को, आप हमारे राज्य को साफ कर दें। 1957 की हालत क्या होगी, इस मुल्क की, मुल्क आजाद हुआ था, वो भी गरीब लोग थे, उनको नौकरी मिल गई, वो इसमें खुश थे, उन्होंने काम शुरू कर दिया। 2 महीने बाद वो राज साफ सुथरा हो गया, बात चलती रही, लोग रहते रहे। वो 200 लोग अब 2.5 लाख हैं,
लेकिन बख्शी मोहम्मद गुलाम साहब ने, अल्लाह के मानने वालों ने, अल्लाह की बात करने वालों ने, सुबह से शाम निजामे मुस्तफा की रट लगाने वालों ने उन 200 लोगों के साथ क्या गद्दारी की, ये अब जाकर के चंद साल पहले पता चला। आपने क्या किया कि आपने संविधान में, जम्मू कश्मीर के संविधान में 1957 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या लिखा कि जम्मू कश्मीर में ये जो 200 लोग आए थे इनको हम नागरिकता नहीं दे सकते, क्योंकि 1957 में आए थे और 1954 में हमने ताकत ले ली थी 35A के तहत। यहां तक भी ठीक है, लेकिन आपने दुनिया में यह मिसाल नहीं मिलती। मैं इसलिए कहता हूं कि जितना गुस्सा मुझे इस पे आता है उसमें जब मैं समाज में नहीं देखता तो मुझे लगता है शायद समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। पूरी दुनिया में बुरे से बुरे मुल्क का नाम ले लीजिए आप, उस मुल्क के संविधान में भी यह प्रोविजन नहीं करा गया। उसमें प्रोविजन यह किया गया कि ये 200 लोग जो आए थे अब उनकी 2.5 लाख गिनती है, उनको नागरिकता नहीं दी जा सकती है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ है वो ये है कि ये जम्मू कश्मीर राज्य में पढ़ाई करेंगे, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, ये MBBS की पढ़ाई करेंगे, ये डॉक्टर बनेंगे, MBA बनेंगे, किसी की पढ़ाई करें, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में नौकरी इनको भंगी की मिलेगी। ये सोच के कोई नहीं डरता है, मानवाधिकारों की बात कोई नहीं करता है। कहीं केरला के अंदर, कहीं हैदराबाद में किसी बेमुला की हत्या गलत और सही हो जाती है, यह राष्ट्र रोने लगता है। 2.5 लाख लोगों को संवैधानिक तौर पर कहा गया है कि तुम, तुम्हारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, जो भी नस्लें पैदा होंगी, जम्मू कश्मीर राज्य में आप पढ़ लें, लिख लें, लेकिन नौकरी हम तुम्हें भंगी की देंगे। ये जय भीम और जय मीम वाले कहां मर जाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात भाई करने वाले कहां मर जाते हैं, जो दलितों को साथ लेकर पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे थे वो लोग कहां मर जाते हैं, उनका गलेवान पकड़िए। ये मायावती की चुप्पी क्यों है, ये प्रकाश अंबेडकर की चुप्पी क्यों है, ये नहीं हमारा समाज पूछता। लेकिन आप JNU के अंदर आजादी के नारे लग रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लग रहे हैं, तोड़ने वालों को पुरस्कार किया जा रहा है, एक नई पार्टी बनाई है जम्मू कश्मीर में, एक साहब अभी IAS से उतरे हैं, किस तरीके से वो आए और क्या किया उन्होंने, उस पार्टी में वो लोग शामिल हो गए हैं जो जम्मू कश्मीर में नारे लगा रहे थे इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। जिस दिन ये समाज, जिस दिन आप जैसे लोग, आपकी आने वाली पीढ़ी, आपको ये बातें उनको कन्वे करनी है और इतना डर पैदा करना है किसी भी ऐसे इंसान को जिससे आपका कन्फ्रंटेशन नहीं है, आप किसी के साथ नाजायज और कोई ऐसी बात न करें लेकिन किसी की नाजायज बात बर्दाश्त भी ना करें। लिहाजा जिस दिन आप ये तय कर लेंगे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अलग अलग कॉलेज के अंदर, सड़कों पे, चौराहों पे जब ये डिबेट आप करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आप मैसेज दीजिए कि जो लोग जम्मू नहीं, जो लोग कश्मीर नहीं, जो हैदराबाद नहीं, जो सिकंदराबाद नहीं, जो जादवपुर नहीं, इस देश में जो भी ये नारे लगाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनसे कहिए कि ये देश 2014 से बदलना शुरू हुआ है, अभी 19 पहुंचा है, और जो लोग टुकड़ों की बात करेंगे अब उसमें उनके टुकड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।